चलिए, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम तुषार है, सीजीपीसी नॉलेज अब किस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर 15 अक्टूबर 2022 के बारे में करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है, खास करके आज खबरें जो हम लोग देखेंगे न्यायालय वाली, जो न्यायालय ने कुछ फैसले दिए हैं उन पर चर्चा के बहुत सारे विषय रहेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जो राज्य स्तर पर बात कर ले, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखती है। वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों के लिए आज एक क्वेश्चन, इसका उत्तर हमारे वीडियो में छुपा है। अगर आप वीडियो को आराम से देखेंगे तो वीडियो में आप सही आंसर लगा पाएंगे। कमेंट में आप आंसर लगाइएगा, जिनका भी सही आंसर होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। तो क्या आने वाला करोड़ प्रश्न है हमारे पास, सितंबर 2022 इसके आंकड़ों के अनुसार, जो थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार आपको बताना है महंगाई दर कितनी है। जब हम लोग बात करते हैं महंगाई दर की, दो तरीके होते निकालने के, एक WPI इंडेक्स होता है, एक CPI होता है। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके अनुसार भी महंगाई की दर निकाली जाती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर अप किया था। अभी हम लोग बात कर रहे हैं WPI की। WPI के अनुसार जो महंगाई के आंकड़े निकलते हैं ये थोक मंडी में क्या भाव है उससे है। जनरली CPI को हम लोग ज़्यादा मानते हैं, WPI फिर भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि होल प्राइस इंडेक्स आपका थोक मंडी पे क्या भाव चल रहा है और क्या महंगाई है उसके हिसाब से। अल्टीमेटली थोक महंगाई बढ़ेगी, उसके बाद कंज्यूमर तक पहुँचेगा तो महंगाई बढ़ना है। तो ये कितनी हो गई है ये बताना है। लगातार 18 महीने से निचले स्तर पर आ रही है, धीरे धीरे कमी हो रही है, फिर भी ये ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है ये बताना है। आपके पास ऑप्शन 12.41%, 6.68%, 10.70%, और इनमें से कोई नहीं। जिनका भी आंसर सही होगा मैं उसमें हार्ट दे दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे पहली खबर आ रही है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, राजनीति से जुड़ी हुई और चुनावों से जुड़ी हुई, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमारे यहां भी चुनाव होने वाले हैं, क्या क्या बदलेगा उसके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप जाएंगे 5 साल है, बहुत सारे राज्य हैं, हर साल कहीं ना कहीं का चुनाव होते रहता है। तो यदि बात की जाए अभी हमारे, तो 2022 में जो संभावना है, हिमाचल प्रदेश और गुजरात इन दोनों के चुनाव होने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश के चुनावों की डेट जो है आ गई है, गुजरात की डेट आने की बात चलेगी। तो हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसको पकड़ते हैं और समझते हैं। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, इनका नाम पकड़ लीजिएगा, राजीव कुमार है हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। पहला चीज ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राजीव कुमार जी, क्योंकि ये सारे पूछ देता है कई बार कि अधिकारियों के नाम क्या है। तो राजीव कुमार जी ने आपका शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। जनरली कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि विधानसभा में सीटें कितनी है, तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा 68 सीटें आपको देखने को मिलने वाली है। हिमाचल प्रदेश की अगर आगे की बात करेंगे तो गुजरात चुनाव के लिए हमारे पास 182 सीटें होती है विधानसभा में, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर चुनावों की तारीख की बात करेंगे, 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, एक ही चरण में चुनाव हो जाएगा, मतलब अलग अलग डेट में वोटिंग नहीं करना है, आपको एक ही चरण में चुनाव देखने को मिलेगा। अब मेन बात क्या आती है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आयोग जो हम लोग बीच में बात कर रहे थे ना कि जो फ्री का होता है या रेवड़ी कल्चर होता है जिसको चुनाव आयोग बंद करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए यहां से चुनाव में चुनाव आयोग ने सख्ती जारी कर दी है। बोल क्या रहा है, आयोग को प्रलोभन अब बर्दाश्त नहीं। मतलब क्या है समझिएगा इसका, ऐसा नहीं कि आप अब चुनाव में कोई वादे नहीं कर सकते। अगर आप अब चुनाव में कोई वादे करते हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी बोलती है हम फ्री में ये देंगे, हम फ्री में वो देंगे, हम ऐसा देंगे, तो इसके लिए जो आपका एक प्रपत्र जारी करवाएगा, ओके, चुनाव आयोग को। आप पर्टिकुलर, जैसे मान के चले कोई भी राजनीतिक पार्टी के हो, फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलो आप आम आदमी पार्टी के हो, आप बोलते हो कि हम लोग फ्री में शिक्षा देंगे, फ्री में शराब देंगे, फ्री में ये देंगे वो देंगे, इस तरीके से बोले, तो चुनाव आयोग आपसे एक प्रपत्र लेगा, एफिडेविट लेगा, बोलेगा बताओ प्रैक्टिकली ये कैसे संभव है, मतलब आप इसके लिए बजट कहां से लेके आओगे, क्या ये नॉर्मल बजट में हो जाएगा क्या, इसके अलावा क्या ऐसा तो नहीं कि राज्य की जनता के ऊपर कोई एक टैक्स लगाना पड़ेगा अलग से। जनरली क्या होता है, फ्री के वादे करके तो मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं, बट जब बात आती है वादा पूरा करने की तो कई बार क्या है, देश के ऊपर जो है मेनली टैक्स पेयर के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो अब आप अगर वादा करते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप पूरा करोगे वादा। नॉर्मली कैसे समझ सकते हो, जैसे आपने किसी को शादी करने के लिए बोला कि शादी के बाद मैं तुझको रानी बना के रखूंगा, बट क्या होता है शादी के बाद बोल देते हो यार तो शादी के पहले की बात थी, पूरा करूं नहीं करूं क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर नहीं है, जो चुनाव आयोग है वो आपसे बोलेगा शादी के बाद रानी बना के रखना है तो पहले बता कि किस प्रकार से तेरा राजमहल है, बादशाहत कितनी है, पहले तुम दिखाओ उसके बाद बात करो। तो ये एक एफिडेविट भरवाएगी सरकार, याद रखिएगा, सरकार मतलब चुनाव आयोग भरवाएगा, जिससे जो है थोड़ी बहुत चीजें रुकेंगी। इसके
अलावा दूसरा जो खास आ रहा है, हिमाचल प्रदेश के चुनाव से ही अपराधियों के उम्मीदवार बनाने पर पहली बार दलों की नैतिक घेराबंदी की जाएगी। नैतिक घेराबंदी का मतलब क्या है, यहाँ पर समझिएगा, जैसे आप कभी भी जाओगे तो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है किसी भी जगह पे दल में क्या होता है, नेता ऐसे लोग चुन के आते हैं जो गुंडागर्दी वाले हैं। गुंडागर्दी इन द सेंस क्या होता है हमारे पास, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस लगा रहता है। अब कई बार केस रियल होता है, कई बार केस फर्जी होता है, पर केस लगे रहने के कारण क्या हो जाता है, हम लोग बोलते हैं ये दागी नेता है। दागी नेता का मतलब क्या है, ये स्वच्छ प्रवृत्ति वाला नहीं है या स्वच्छ वाला नहीं है, ऐसे ही नेता अपने को मिलते हैं और हम लोग कर भी क्या सकते हैं, वैसे वाला हो जाता है, उम्मीदवार ही सब वैसे खड़े हैं। तो जनरली क्या है, हमारी गलती नहीं है यहाँ पे, पार्टियों की गलती है कि पार्टी ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है। अगर बीजेपी वाला किसी को टिकट देता है और वो दागी निकलता है, या कांग्रेस वाला किसी को टिकट देता है और वो दागी निकलता है, हम जब वोट देते तो हम लोगों को देखना रहता है प्रधानमंत्री किसको बनाना है, मुख्यमंत्री किसको बनाना है। कई बार हम लोग हमारे लोकल नेता को ध्यान नहीं देते और भैया मोदी को जिताना है या फलाना को जिताना है करके हम लोग वोट दे देते हैं। अब ऐसे में ये लोग संसद और विधानसभा तक पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ पर घेराबंदी करने की शुरुआत की जाएगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा जूम करके पढ़ सकते, देखो है ना, ये जो है हमारा विधानसभा चुनाव भविष्य में जो है बहुत ज्यादा आपका रखने वाला नजीर बन सकता है। क्यों? क्योंकि राजनीति के अपराधियों पर प्रवेश लगाने के लिए राजनीतिक दलों की आनाकानी के बाद चुनाव आयोग ने पहली बार नैतिक घेराबंदी की है। अब राजनीतिक दलों को प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए बताना होगा कि किन परिस्थिति में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे व्यक्ति को अपने उम्मीदवार बनाया है। सपोज कोई व्यक्ति है ए, जिसको एक राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो वो टिकट देती है, और ऐसा पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है उसके खिलाफ 50 केस लगे हुए हैं या 10 केस लगे हुए हैं, अलग अलग न्यायालयों में उसके बारे में केस चल रहे हैं, तो आपने इसको टिकट क्यों दिया? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ेगा कि हाँ इसके ऊपर इतने केस हैं और किस कारण से हमने इसको टिकट दिया है। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया में बताना पड़ेगा, ताकि क्या है लोगों को पता रहे कि भैया आप जिस उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हो उसके ऊपर कितने आपराधिक मामले डले हुए हैं, और साथ ही साथ आपकी राजनीतिक पार्टी कैसे है ये भी पता चल जाएगा कि राजनीतिक पार्टी गुंडा लोगों को तो टिकट नहीं देती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या होने वाला है, चुनाव आयोग और भी काम करने वाला है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है के तौर पे भी चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें कर रहा है वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए। जैसे आप लोगों को पता होगा वोटिंग परसेंटेज गांवों में ज्यादा होता है, शहरों में नहीं रहता है। इसमें भी अगर देखा जाएगा तो ज्यादातर महिलाएं हो गई या दिव्यांग हो गए वो अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में इनके लिए विशेष परिस्थिति में हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग अलग केंद्र खोलेंगे। इसमें बात कर रहा है वही चीज, देखिए मतदान को बढ़ाने के लिए, मतदाताओं को विशेष परिस्थिति में मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए, बुजुर्ग और गंभीर बीमारी से जूझ रहे मतदाताओं को घर से ही वोट की सुविधा उपलब्ध कराने और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए अहम बदलाव का सिलसिला जो है शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा नए मतदाताओं के लिए भी प्रयोग किए गए हैं, और खासकर बात रहेगी केवाईसी ऐप आपका। आप जो भी उम्मीदवार रहेगा उस उम्मीदवार की पूरी जानकारी केवाईसी ऐप में रहेगी, जिसमें से आप अपने जानकार की मतलब आप अपने उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो कि आपका उम्मीदवार किस प्रकार से है, उसकी पूरी कुंडली, जन्म कुंडली या मतलब ये नहीं कि शादी के लिए कैसा है, उसका बैकग्राउंड किस प्रकार का है, कितनी संपत्ति, ये सारा चीज़ पता चल जाएगा। ये मेनली बागी उम्मीदवारों के लिए ही हो रहा है। जैसे वर्तमान में यदि बात करेंगे, देखिएगा आंकड़ा है जस्ट मेरे सिर के पास, लोकसभा में 543 में से सोचिए 233 सांसद ऐसे हैं जो दागी हैं। दागी मतलब है 233 सांसदों के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस चल रहा है। अब इसमें छोटे से छोटा केस लेके बड़े से बड़ा केस हो सकता है। अब अगर हम लोग कुंडली वाली बात करते हैं कि जो आपका केवाईसी ऐप है, याद रखिएगा भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 में भी अगर मैं प्रिसाइसली बोलूं तो 19 के 1 का ए, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी में ही आपके उम्मीदवार से संबंधित जानकारी लेने का भी अधिकार हमारे पास होता है कि पर्टिकुलरली हम जिस उम्मीदवार को चुन रहे हैं, जिसको हम भेजना चाहते हैं, उसके बारे में हम जानकारी पता कर सके, उसके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे डाले गए हैं, उसकी संपत्ति कितनी है, ये सारी चीज़ों की जानकारी। ऐसा नहीं कि उसकी निजी जानकारी भी आप मांगोगे, कितने बीवी हैं, कितने बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें उनकी पर्सनल हो सकती हैं, बट एक उम्मीदवार को चुनते समय जो चीज़ें आपको जानना चाहिए रोल मॉडल बनाने के लिए, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए, वो सारी जानकारी हमको भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत वैसे ही दी गई है अभिव्यक्ति की आज़ादी में, बट अब इसको पूरे तरीके से लागू करने की कोशिश की जा रही। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं, एकदम आसानी से करिएगा और आसानी से समझिएगा, कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा।
चलो दूसरी खबर अब आती है हमारे पास फैसले से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट के। इस प्रकार से अगर हम लोग जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट और लोग जो जो कोर्ट्स हैं उनके फैसले के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले बात आता है ज्ञानवापी केस। आप सभी को पता होगा ज्ञानवापी मस्जिद और ज्ञानवापी हम लोग बोल देते हैं मंदिर, जो भी है इसमें मामला चल रहा है। यहाँ पर शिवलिंग मिला था ऐसा बोला जाता है कि ज्ञानवापी में क्या हुआ, हम लोगों को शिवलिंग मिला। अब एक पक्ष है मुस्लिम पक्ष, वो क्या बोलता है ये शिवलिंग नहीं है ये फव्वारा है। अब डिसाइड कैसे होगा इस चीज के ऊपर आ जाता है केस, कि आप कैसे बताओगे कि ये आपका शिवलिंग है या फवारा है, क्योंकि अगर फवारा तो ज्यादा पुराना नहीं होगा, हम लोग बोल रहे शिवलिंग तो काफी पुराना होना चाहिए। तो इसकी कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी हिंदू पक्षों की तरफ से कि एक काम करिए इसकी कार्बन डेटिंग कर लीजिए, पता चल जाएगा कितनी एज का है ये और उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। तो इसकी कार्बन डेटिंग के लिए मनाही की गई है। तो इसके बारे में जो आ रहा है डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि वहां पर जो भी मंदिर वाला एरिया है जहां पर शिवलिंग मिला है वहां पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, पत्थरों से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके कारण बोला गया जो लोकल कोर्ट है उसने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया कि छेड़छाड़ नहीं होगी तो आप कैसे कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि शिवलिंग है, मतलब इसकी कार्बन डेटिंग हम कैसे करें क्योंकि छेड़छाड़ करना पड़ेगा। इसके अलावा हिंदू पक्षों के द्वारा भी, कुछ हिंदू पक्षों के द्वारा भी ऐसा बोला जा रहा था कि आप कार्बन डेटिंग मत करिए क्योंकि उसमें क्या है प्रतिमा जो है शिवलिंग जो है खंडित हो सकता है, और हिंदू धर्म में ये चीज है कि आप कभी भी किसी खंडित चीज की पूजा नहीं कर सकते। तो इनको भी ध्यान में रखा गया, तो दोनों तरफ से बात की गई। बट जो मेन हमारे पक्षकार हैं उन्होंने बोला है कार्बन डेटिंग कर लो पता चल जाएगा। तो अभी सॉरी अभी जो है इस पे विवाद अटका हुआ है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, ये जुड़ी हुई है एकता कपूर से। अब ये चीज में यहाँ पे आपको देखना है दो केस आए सुप्रीम कोर्ट के बहुत जबरदस्त है। पहले एकता कपूर वाला केस कवर अप करते हैं, उसके बाद बाजू वाला केस कवर अप करेंगे। तो देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही है आप, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। किसको? एकता कपूर को। क्यों लगाई है? तो सुप्रीम कोर्ट में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, हम सभी जानते हैं यार एकता कपूर कैसे है। नॉर्मली अगर आप घर में स्टार प्लस देखते होगे, जी टीवी देखते होगे, अच्छी अच्छी पारिवारिक सीरियलें लेके आती है ना, ससुराल सिमर का या ये वो जो भी सीरियल है, मैं ज्यादा देखता नहीं तो मुझको नाम नहीं पता कि कौन सी सीरियल किसकी है, बट जनरली जो के नाम से होती है वो एकता कपूर की रहती है। बट यही है इनका क्या कहना है कि जो देश के लोग हैं, इनका एक अलग प्लेटफॉर्म चलता है आप लोगों को नाम पता हो वर्ल्ड बालाजी के नाम से, तो वहां पर वो पूरी अडल्ट सीरीज लेकर आती है। अब इसी में क्या है, अडल्ट सीरीज लेकर आ रही है जो आपका 18+ सर्टिफिकेट के साथ आना चाहिए। बट सबको पता है अगर आपके पास मोबाइल है आप भी देख सकते हो, कोई भी देख सकता है, वहां पे कोई एज वेरिफिकेशन तो है नहीं। अब इसमें इन्होंने एक केस कर दिया, क्या इनकी एक सीरीज आई थी, आप उसका नाम देख लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा नहीं। वो सीरीज में क्या किया इसने, सैनिक के खिलाफ मतलब एक सेना के अधिकारी के खिलाफ जो है थोड़ा सा गलत तरीके से दिखाया। अब उसी के ऊपर केस चल रहा था, आप सभी जानते होंगे हिंदुस्तानी भाव, अगर यूट्यूब में आप लोग थोड़ा है थोड़ा जानकारी रखते हैं हिंदुस्तानी भाव के बारे में पता होगा, तो उन्होंने भी केस लगाया था। तब वो केस याचिका जो है वो कैंसिल कर दी गई थी, सिमिलर केस के लिए था। अभी दूसरे एक सैनिक अधिकारी ने लगाया कि आप सेना के अधिकारियों के खिलाफ गलत काम कर रहे हो, इससे उनके मनोभावना को ठेस पहुंचती है। तब अब सुप्रीम कोर्ट जो है टिप्पणी दे रहा है कि आप जो हो जनता को मतलब देश के युवाओं को जो है दिमाग गंदा कर रही हो, और सही बात भी है क्योंकि इनके द्वारा जो कंटेंट आ रहे हैं वो भद्दे से भद्दे हैं, तो एकदम ध्यान रखिएगा ये आया है, हो सकता है आगे फंसे। नेक्स्ट खबर इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे पास, देखिए यहां पर क्या बोलता है, दोनों की मर्जी नहीं तो नहीं होगा तलाक। अब यहां पर जो हम लोगों को चीजें जानना है, सुप्रीम कोर्ट क्या किया है, जनरली डाइवोर्स का एक केस आया, ओके, जिसमें एक पति है एक पत्नी है, दोनों शादी किए, लगभग 40 दिन तक शादी में रहे, लड़की जो है कनाडा में अपनी पूरी सेटल थी, वो पति के लिए सब चीज छोड़ के आई, और पति बोल रहा है अब मुझको तलाक चाहिए क्योंकि तुम शादी नहीं निभा पा रही हो। तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, लड़की शादी निभाने को रेडी है, तुमको तलाक चाहिए, मतलब एक पक्ष बोल रहा है मुझको तलाक चाहिए, दूसरा पक्ष बोल रहा है मुझको तलाक नहीं चाहिए। तो ऐसे में दोनों की जब तक मर्जी नहीं होगी तब तक मैं तलाक नहीं करवाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट साहब सब बोल दिया कि तलाक नहीं होगा। यहां पर जो पॉइंट आ रहा है आप लोगों को साथ में दिख रहा होगा, आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। इसी पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बाकी क्या हुआ है, तो इसमें सीधा सा है, सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, जब तक दोनों पक्ष रेडी नहीं होते तब तक मैं जो है आपका नहीं करके दूंगा डिवोर्स, क्योंकि लड़की रेडी नहीं है। और इस बीच में जब बोला गया कि लड़की रेडी नहीं है लड़के को तो चाहिए, तो उसने बोला कि तुम कैसे बोल सकते हो कि लड़की शादी निभाने की कोशिश नहीं कर रही है क्योंकि वो कनाडा से सब चीज छोड़ वगैरह के आई है। अब यहां पर हो जाता है कि कई बार पुरुषों के साथ आपको ऐसे लगेगा कि सच में कोई जेन्युइन रीजन है फिर भी उसको नहीं मिल रहा है। बट मेन पॉइंट हम लोगों को क्या पढ़ना है यहां पर, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के पास एक शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति बोल सकते हैं, जिसके तहत क्या होता है याद रखिएगा, ऐसे कोई मामले जिस पर कानून नहीं बना है या ऐसा कोई मामला आता है जिस पर कानून बना है बट कानून उतना सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या जो आपके पास केस आया है
उससे रिलेट नहीं कर पा रहा है वो कानून, थोड़ा सा रिलेट करता, पूरा रिलेट नहीं कर पाता। तो सुप्रीम कोर्ट जब तक नया कानून नहीं बनता उस पर फैसला देने का हक रखती है। अब ये ऐसा पहली बार केस दिखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार क्या कर सकते हैं, क्या मैं आर्टिकल 142 का प्रयोग कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि इस मामले में अभी स्पष्ट नहीं है कानून। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला मैं आर्टिकल 142 का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, तुमको एक भेज देता हूँ न्यायिक, मतलब एक पर्टिकुलर जो काउंसलर वगैरह होते हैं उनके पास आप चले जाओ और वहां पे आप जो भी अपनी चीजें हैं उसको निपटा लो और उसके बाद देखो, हो सकता है शादी चल जाए तो ठीक है, अगर नहीं चलेगी तो आगे हम लोग देखेंगे। तो 142 इंपॉर्टेंट था क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एक शक्ति देता है, ये कोई भी केसेस में हो सकता है, याद रखिएगा, ऐसे शादी ब्याह का केस नहीं है, ऐसा कोई भी केस जिसमें कानून नहीं बना है और उस पर केंद्र सरकार का अगर कोई कानून बनाई है वो स्पष्ट नहीं तरीके से केस पे नहीं आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने की शक्ति रखता है और ये डिसीजन जो है पूरे भारत में लागू होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलो नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं, साइंस से रिलेटेड होती है, लैब में तैयार हो सकेगी त्वचा, बायोनिका जो है हाथ करेगा आसान मुश्किलें, ये सारी चीजें छोड़िएगा, मेन क्या है, तो शुक्रवार को दिल्ली आईआईटी कैंपस में रिसर्च मेला इनोवेटिव, या क्या कहते हैं, इन्वेंटिव का गवाह बना है। ओके, मतलब एक आया था रिसर्च मेला, कभी कभी इंग्लिश नाम पढ़ने में मेरी जुबान लड़खड़ाती पता नहीं क्यों, इन्वेंटिव 2022, याद रखिएगा इन्वेंटिव 2022 इसका गवाह बनता है। हुआ क्या है, तो अलग अलग प्रकार की रिसर्च आई है, टेक्नोलॉजी आई है जो भविष्य में हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसमें सबसे बड़ा जो आपको देखने को मिलेगा एक प्रोजेक्ट आया, भासीड़ी प्रोजेक्ट, ये क्या है, रिसर्च से जुड़ा हुआ है, भासीड़ी इसके बारे में बता देते हैं। तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो भाषा को ट्रांसलेट करेगा, जैसे अभी मैं आप लोगों से हिंदी में बात कर रहा हूं, ये तुरंत तुरंत आपका हिंदी भाषा को बदल के मराठी में, गुजराती में, इंग्लिश में करने की क्षमता रखता है। जनरली आपको पता होगा कि हम लोग जैसे लिखते हैं हिंदी में तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाता है, बट एआई को इतना ज्यादा एडवांस कर दिया जा रहा है, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वो वैसे वैसे क्या करेगा, आपका भाषा को ट्रांसलेट करेगा। जल्दी ही इसका ऐप भी बनने की संभावना है, अगर जाएंगे तो आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर हैं पुष्पक भट्टाचार्य, इनकी ये जो है खोज है। चलिए नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है बायोनिक हाथ। तो बायोनिक हाथ जो है, अगर देखेंगे ये वाली खबर इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। बायोनिक हाथ के बारे में यदि बात करेंगे, चलिए बायोनिक खाद के बारे में अगर बात करेंगे, एक सेकेंड कहाँ गया हमारा, ये है बायोनिक खाद के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा बायोनिक खाद क्या होता है। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति का हाथ कट गया यहाँ से, है ना, अब अगर ये हाथ कट गया है, कहीं से हाथ आपका कट गया है, अब इस हाथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज तो कर नहीं सकता, तो जनरली क्या होता था, पहले प्लास्टिक का हाथ लगा दिए, या जैसे आपको कप वगैरह उठाना तो दिक्कत होगा, प्लास्टिक का हाथ लगा दिए। एक ऐसा फुल्ली फंक्शन हमको चाहिए ना कि उंगली अच्छे से काम कर सके, हाथ अच्छे से काम कर सके, बना हुआ है, ऐसा नहीं कि विदेशों में नहीं बना या टेक्नोलॉजी नहीं है, बिल्कुल है टेक्नोलॉजी, बट क्या है, महंगी है। अब क्या किया गया है, भारत में एक इस प्रकार के बायोनिक हाथ का जो है निर्माण करा जा रहा है आईआईटी बीएचयू के द्वारा, ओके, जिसमें आपके हाथ ये 20,000 में बन जा रहे हैं। जनरली हमारा हाथ कैसे काम करता है, जैसे देखिएगा मैं अभी ऐसे सिंघम स्टाइल कर रहा हूं इस तरीके से, तो ये क्या हो रहा है, मेरे दिमाग से कुछ सेंसर्स जो है, मतलब मेरे दिमाग से नर्व सिग्नल जा रहे हैं कि तुमको ऐसे उंगलियों को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऐसे मुट्ठी बंद करना है, सिंघम वाला स्टाइल करना है, या ऐसे बोलना लाइक करना है, शेयर करना है। ये क्या होता है, पूरा नर्व सेल्स रहते दिमाग में, नर्वस सिस्टम के थ्रू आता है। अब जैसे जी किसी का हाथ कट गया मान के चलिए, हम लोग प्लास्टिक का लगा दिए, तो उतने सेंसर नहीं रहते। अब एक तरीके की टेक्नोलॉजी यही कि सेंसर के थ्रू पूरा ये मदद करेगा, मतलब दिमाग से आपके जो सिग्नल आएंगे वो बायोनिक हाथ या रोबोटिक हाथ समझेगा और उस हिसाब से वो आपका बिहेव करेगा, और सस्ते में बन रहा है, 20,000 के आसपास पड़ रहा है। तो कई सारे दिव्यांग लोग जिनका हाथ नहीं है, जिनकी वजह से उनको डेली लाइफ में दिक्कत होती है, डेली रूटीन में, वो सारा चीज जो है आसान हो जाएगा। इसके अलावा क्या हुआ है, तो एक और प्लास्टिक की खोज की गई है, मतलब एक प्लास्टिक टाइप का आपको दिखाया गया है जिसमें आपको देखने को मिलेगा मिट्टी में घुलने वाला प्लास्टिक। जनरली आप लोगों को पता होगा, ये वाले में भी जूम कर लेते हैं हम लोग, प्लास्टिक सबसे ज्यादा दिक्कत करता है कब, जैसे आप प्लास्टिक की पन्नी ले लिए, सब्जी क्या फेंक दिए, अब वो जमीन में हजारों साल तक खराब नहीं होगा, मतलब डिकम्पोज नहीं होगा, पर्यावरण को प्रदूषित करेगा, तो सॉलिड वेस्ट बनता है वो। तो उसके जगह पर एक ऐसे प्लास्टिक का निर्माण किया गया आईआईटी गुवाहाटी के केमिकल इंजीनियर द्वारा, जिसको आप नॉर्मल पन्नी के तौर पे या कवरिंग के लिए आप यूज कर लीजिए, उसके बाद क्या होगा, आप उसको फेंक दीजिए, वो अपने आप मिट्टी में घुल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो निकल कर आ रही हैं इस लैब से। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट खबर हमारे पास है थोक महंगाई से रिलेटेड, यही वाला जो है क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है। तो लगातार चौथे महीने पर थोक महंगाई जो है घट रही है, 18वें माह भी 10% से ज्यादा है, फिर भी ओके, महंगाई लगातार 18 माह से गिर रही है, फिर भी 10% से ज्यादा है, चौथे महीने लगातार गिरी है और 10% से ज्यादा 18 महीने हो गए हैं लगातार हो रहा है, मतलब 4 महीने से कमी हुई है, बट फिर भी देखेंगे तो पिछले 1.5 साल से 10% के ऊपर है, 10.7% है अभी। ये क्या होता है, थोक महंगाई, ये WPI, तो होल प्राइस इंडेक्स है। होल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है,
थोक मंडी पे वस्तु का मूल्य कितना होता है उसके हिसाब से निकाला जाता है। थोक मंडियों में वस्तुओं की कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है, जैसे आप सामान लेते हैं वो खुदरा लेते हैं, जैसे एक बिस्किट पैकेट, दो बिस्किट पैकेट, अगर आप थोक में सामान लेते हैं, जैसे कोई सब्जी वाले होते हैं या कोई किराना दुकान वाले हैं, वो थोक बाजार से सामान लेते हैं, तो थोक बाजार में कभी भी वस्तुओं का मूल्य क्या मिलता है आपका, सस्ता मिलता है। तो अगर वहां पर महंगाई बढ़ी, जब आप ज्यादा प्रोडक्ट लेते हो उसके बाद भी महंगाई बढ़ रही, तो एंड एंड उसमें जाएंगे तो कंज्यूमर को महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो थोक मूल्य भी हम लोग देखते हैं, थोक महंगाई दर भी कितनी है। तो अगर बताया जाए अभी नॉर्मली, तो हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पर, देखिएगा आपका सब चीज जो है सस्ता भी हो रहा है और महंगा भी हो रहा है। ये सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसका फोटो भी डाल दूंगा टेलीग्राम में आज। देखिए अगर बात करेंगे पिछले 18 महीने में, तो 10% से नीचे महंगाई नहीं आई है। पिछले 4 महीने की बात करेंगे तो देखिए 15% जून में था, इसके अलावा जुलाई में 13.93, अगस्त में 12.41 और सितंबर में 10.79। हर महीना जारी होता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है, इस चीज को एकदम ध्यान से देखिएगा। थोक महंगाई दर जो है अभी वर्तमान में 10.070% है। मैं इसका कम्युनिटी में भी क्वेश्चन पूछूंगा, बाकी आप कमेंट में भी आंसर लगा सकते हैं, मैंने दे दिया। दूसरी खबर इंपॉर्टेंट निकल कर आती है, क्या है, पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर अब 1 जनवरी से 2 तरह के दाम। ये क्या चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जितना जल्दी हो सके सरकार को उतना जल्दी लागू करना था, बट नहीं की है। नॉर्मली मान के चलिए आप 2 प्रकार का प्रोडक्ट लेने गए हैं, ओके। मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन आप लोगों के लिए ब्लैंक कर देता हूँ और यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए एक खाद्य पदार्थ है आटा, आटा है या बिस्किट है, आप कोई भी ले लीजिए। 2 कंपनी है, एक ए टाइप की कंपनी है और एक बी टाइप की कंपनी है। ए टाइप की कंपनी कैसे मूल्य रखी है, बोली है कि अगर आप 5 किलो लेते हो आपको पड़ेगा 370 का, और बी टाइप की कंपनी का पैकेट है 4 किलो का और वो आता है 280 का। अब अगर आपको लेना है तो नॉर्मल गणित करना पड़ेगा, गुणा भाग करना पड़ेगा, यार 5 किलो 370 का है और 4 किलो 280 का, बताओ सस्ता कौन सा पड़ा, है ना। अब यहाँ पर क्या है, आप कैलकुलेटर से भाग वगैरह करते रहोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि बी वाला सस्ता है या ए वाला सस्ता, आप वैसा लोगे। तो कंपनी ने बोला, केंद्र सरकार ने बोला, अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, अब एक नया नियम आएगा, आप जो भी प्रोडक्ट बेचते हो उसकी 2 कीमत लिखी रहेगी। 2 कीमत का मतलब क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक 5 किलो मतलब जितने साइज का पैकेट है, जैसे 5 किलो, 50 किलो, 25 किलो, उसकी कीमत लिखी रहेगी और प्रति किलो इकाई मूल्य लिखा रहेगा। जैसे 1 किलो का रेट मान लो ये बोलता है 100 रुपए है, और दूसरा वाला बोलता है 1 किलो का रेट कितना है, 70 रुपए है। तो अब इससे समझने में अपने को आसानी होती है ना, मतलब पैकेट का भाव तो लिखा रहेगा कि 5 किलो का मूल्य कितना है, 4 किलो का मूल्य कितना है, उस हिसाब से प्रति किलो आपको कितने रुपए में वो वस्तु पड़ रही है वो भी लिखना पड़ेगा, ताकि जो ग्राहक है दोनों वस्तुओं को कंपेयर करके पता कर सके कि कौन सा लेना उसके लिए फायदे का सौदा है। तो ये ग्राहकों के लिए सरकार कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट खबर की तरफ। हमारे पास क्या आता है, ये हमारा जुड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी से और डिफेंस से। तो INS अरिहंत के द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है शुक्रवार को बंगाल की खाड़ी में। तो अरिहंत ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, लेकिन अभी बताया नहीं है कि कौन सी मिसाइल है। पहली बार न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च की गई थी मिसाइल, इसके बारे में जानकारी दी गई है, ओके। INS अरिहंत जो है आपका न्यूक्लियर सबमरीन है, मेरे ख्याल से अभी इसको हाल ही में शामिल किया गया था, ये वाली खबर एक बार चेक करिएगा, और इसी से है पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं छत्तीसगढ़ की खबर के ऊपर। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे ही आपको IGKV में लिखा था, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी किया था, धान की भूसी के ऊपर, अब सेम मतलब रिसर्च हो रही है, आम, इमली, स्ट्रॉबेरी और पत्ता गोभी, इनका बेस बनाकर जो है दवाएं बनाई जा रही हैं और उनका बताया जा रहा है सेम इफेक्ट, कि ये जल्दी शरीर में घुलेगी और जल्दी असर करेगी। अब जल्दी असर करने वाली दवाई कहाँ काम आती है, जहां पर आपको जल्दी ठीक होना है, जैसे आप सेना में हैं, या अगर आप युद्ध क्षेत्र में हैं, या आप कोई ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर आपको जल्दी ठीक होना है। युद्ध क्षेत्र में जैसे सैनिकों को चोट लगती है तो उनका खून रोकने के लिए अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी रहती है, उसमें हम लोग ये सारी दवाओं का यूज करने वाले हैं। इवन अमरीका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अगर यहाँ पर जाएंगे तो इन्होंने क्या बोला है, बहुत ज्यादा इसकी तारीफ की है हमारे कि इनकी रविशंकर यूनिवर्सिटी में, कि आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इन फ्यूचर हो सकता है इनके रिसर्च को लेकर आगे टेक्नोलॉजी और दवाओं के निर्माण में प्रक्रिया शुरू हो। तो आम, इमली, स्ट्रॉबेरी, पत्ता गोभी, ये सारी चीजें तो थी ही थी, इसके पहले हम लोगों ने धान वाला भी पढ़ा था। नेक्स्ट आता है हमारे पास, 2 खबरें हैं फिर से छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, पहले राइट साइड वाली करेंगे फिर लेफ्ट साइड वाली करेंगे। तो राइट साइड वाली खबर आप सभी के लिए है कि सरकार ने क्या किया है, आपका DA बढ़ा दिया है, जो भी राज्य के कर्मचारी हैं उनका DA महंगाई भत्ता कितना हो गया, 5% को बढ़ा दिया है। 5% बढ़ाने के बाद आपका महंगाई भत्ता जो है वो 201% हो गया, याद रखिएगा कितना, 201% हो गया है आपका महंगाई भत्ता।
सकता, ये किया है सरकार ने। इसके अलावा इधर वाली खबर में आएंगे, लेफ्ट वाली खबर में, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा दिया है, मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने कवर अप किया है। कृषि मेला चल रहा है, उसी से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ में जो धान की टेक्नोलॉजी है, जिस प्रकार से हम लोग धान बोते हैं, बीजों का प्रजनन कराते हैं अलग अलग टाइप के, अब इसका यूज यहाँ से सीख के गए हैं पश्चिमी एशिया के देश और अफ्रीका के देश, जनरली बांग्लादेश पकड़ लीजिए और अफ्रीका के जो गरीब गरीब देश है, इन्होंने सीखा है और छत्तीसगढ़ के जैसे ही ये लोग भी अब आके काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, वैसे इस चीज को हम लोग कवर अप कभी नहीं करते, बट क्या है, टूरिज्म से रिलेटेड है, मतलब मेन करेंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, टूरिज्म से रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ के है। आप सभी को पता होगा कुम्हारी, आप में से यदि कोई भी बिलासपुर से दुर्ग तक की यात्रा किया है अगर ट्रेन में, या रायपुर से दुर्ग तक की भी यात्रा कभी ट्रेन में किया है, तो कुम्हारी में आपको ट्रेन रूट में देखने को मिल जाएगा कैवल्य धाम तीर्थ, है ना, एक जैसे बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, बहुत प्यारा लगता है, जनरली जैन लोगों का मंदिर है। इसी के बारे में आज पूरा डिटेल आया है, 24 मंदिरों में विराजे हैं 24 तीर्थंकर। अगर तीर्थंकरों की बात की जाए, वापस हम लोग थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, अगर हम लोग जैन धर्म का इतिहास पढ़ते तो सभी को पता होगा, है ना, जिसमें आदिनाथ, अधिष्ठनेमी ऐसे करते करते महावीर जैन तक जाते हैं, तो इन्हीं में 24 तीर्थंकरों का 24 मंदिर बनाया गया है, जो सबसे बड़ा वाला है वो आदिनाथ जी का है। तो यहीं पे देखिएगा 24 मंदिर बनाए गए हैं, दर्शनार्थी एक बार में 24 तीर्थंकरों के दर्शन करके खुद को क्या पाते हैं, धन्य मानते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं और नहीं देखने को मिलेगा कि जैन धर्म के 24 के 24 तीर्थंकर एक साथ आपको देखने को मिले। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, 24 के 24 तीर्थंकरों का आपको नाम देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सबसे बड़ा दिखता है आदिनाथ का, जो सबसे पहले हुए थे, सबसे बड़ा वाला आपको उन्हीं का दिखेगा मंदिर आदिनाथ। आदिनाथ के अलावा यदि आप बात करेंगे तो अजीतनाथ है, संभवनाथ है, अभिनंदन स्वामी है, इसके अलावा सुमतीनाथ जी है, पद्म प्रभु जी है, इसके अलावा ऐसे करते करते पूरे आपको नाम देखने को मिलेंगे। एक बार आप आसानी से पढ़ लीजिएगा पूरे नाम, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े होंगे मैं भेज दूंगा, थोड़ा जल्दी कवर अप करते, वीडियो लेंथ लंबा हो रहा है। इसमें और क्या खास बात है इस चीज की, तो याद रखिएगा इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा जो मंदिर बने हैं, ऐसा बोला जाता है पूरा संगमरमर के हैं, जो लेके आए गए हमारे राजस्थान के आसपास से ये लेके आए गए हैं संगमरमर के पत्थर, और इनमें जब डिजाइन हुआ है किसी भी प्रकार के लोहे की सरियों का प्रयोग नहीं किया है, तो ये एक देखने में बहुत प्यारा चीज है, दर्शनीय स्थल है, देवी माता का भी मंदिर आपको आसपास देखने को मिल जाएगा, और बहुत सारी खासियत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इम्पोर्टेंट था इसलिए हम लोगों ने इसको कवर अप किया है, कई बार पूछ देता है, जैसे जैन धर्मों से जुड़ा हुआ आपको भांड देउल मंदिर भी देखने को मिलेगा, इसके अलावा आप जाएंगे तो पारस नगर पूरा देखने को मिलता है, और यहाँ पर बीच में हो जाता है हमारा कुम्हारी में। तो ये इतना था आज के लिए, टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आता तो प्लीज 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 लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, आप लोग शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हम लोग मिलते हैं कल के टाइम पे, धन्यवाद, जय हिंद।